एक तरफ आजादी का जश्न मना रहा था रीवा, वहीं दूसरी ओर शिवनगर में एक युवक को अज्ञात लोगों ने मारी गोली। युवक को गंभीर हालत में रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें तरह थाने का है मामला। एक तरफ आजादी का जश्न मना रहा था रीवा, वहीं दूसरी ओर शिवनगर में एक युवक को अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। युवक को गंभीर हालत में रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विश्वविद्यालय थाने का है पूरा मामला। हम आपको बता दें, आज पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ है। दूसरी ओर अपराधी खुलेआम शहर में गोली चला रहे थे। मामला विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत शिवनगर का है, जहाँ आज सुबह गोली चलाने की घटना सामने आई है। युवक घर से निकला था तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए, लेकिन उसको गोली मार दी गई। अज्ञात लोगों ने उस पर गोली चलाई। रीवा शहर वार्ड क्रमांक 10 शिवनगर की घटना। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर युवक को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उसका उपचार किया जा रहा। फिलहाल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। 15 अगस्त का दिन पूरा देश, प्रदेश, शहर आजादी के जश्न में डूबा हुआ। ऐसे में यह खबर दिल को दहला देने वाली थी। पूरी घटना शहर के वार्ड क्रमांक 10 शिवनगर मोड़ पर घटी। हम आपको बता दें, आज लगभग दोपहर 12 बजे एक युवक पर अज्ञात लोगों ने गोली चला दी। गोली लगने वाले युवक का नाम अमन मिश्रा बताया गया है। उसके पिता का नाम अरुण मिश्रा, निवासी ग्राम पड़री, तहसील सिरमौर, फिलहाल अनंतपुर वार्ड क्रमांक 10 का निवासी था। युवक संजय गांधी अस्पताल में आकस्मिक वार्ड में भर्ती है। डॉक्टरों द्वारा उसका उपचार किया जा रहा है। फिलहाल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में उसका इलाज हो रहा है। डॉक्टरों के द्वारा उसका उपचार आकस्मिक वार्ड में किया जा रहा है। युवक के परिजनों द्वारा बताया गया कि सुबह 9 बजे लड़का घर से तिरंगा रैली में शामिल होने के लिए निकला। यूं तो पिछले कई दिनों से रीवा शहर में तिरंगा रैली का दौर चल रहा था। ऐसे में घर वालों ने सोचा रैली में गया होगा मेरा बेटा, लेकिन दोपहर को उन्हें सूचना मिली कि उनके पुत्र अमन मिश्रा पर किसी ने गोली चला दी है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुआ है और अस्पताल में भर्ती है। घटना रीवा के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत शिवनगर मोड़ के पास की बताई गई है। यहाँ पर बदमाशों ने युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। घटना के बाद लोगों द्वारा विश्वविद्यालय पुलिस को सूचना दी गई। विश्वविद्यालय पुलिस तत्काल ही घटना स्थल पर पहुंची। गंभीर रूप से घायल युवक को उसने सबसे पहले अस्पताल पहुंचाया उपचार के लिए। उसके बाद जुट गई है जांच। पीड़ित युवक का इलाज अस्पताल में जारी है। रीवा की विश्वविद्यालय पुलिस घटना के हर पहलू पर जाँच कर रही है। वहीं परिजनों का कहना है उनकी किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं है। वह नहीं समझ पा रहे उनके पुत्र पर गोली क्यों और किसने चलाई। परिजनों का साफ तौर से कहना है, हम तो सोच रहे थे मेरा बेटा तिरंगा यात्रा में निकला है। आज 15 अगस्त का दिन है, पूरा देश तिरंगा के उत्सव में डूबा है, आजादी की उमंग में डूबा हुआ है। मेरा बेटा भी कहीं तिरंगा यात्रा में गया होगा, हमें क्या मालूम था कुछ लोग, अज्ञात लोग उसे गोली मार देंगे। हालांकि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। सुनिए परिजन क्या कुछ कह रहे हैं। अरुण मिश्रा है, गोली लगी है। कौन है आपके? मेरा बेटा अमन मिश्रा। सुबह 8:30-9 बजे वो तिरंगा रैली यात्रा में निकला, घर से बता दिया कि रैली में जा रहा है। वो 12 बजे के आसपास उसके दोस्तों के द्वारा फोन आया, बोले अंकल संजय गांधी हॉस्पिटल आ जाएगी, अमन को गोली लगी। जब मैं आया तो विश्वविद्यालय से पुलिस वाले यहाँ लेके आए थे। कौन से मोहल्ले की घटना है ये बता रहे हैं? शिवनगर मोड़ अनंतपुर की। आप लोग कहाँ रहते हैं? वही अनंतपुर में चिल्ड्रन अकेडमी स्कूल। किनके द्वारा गोली मारी गई है कुछ है? ये अपने को मालूम नहीं है। किसी के ऊपर कोई संदेह नहीं, हम क्या बता सकते हैं किसी के ऊपर संदेह। क्या नाम बेटे का? नाम क्या है आपके? अमन मिश्रा। उम्र क्या होगी? 16 साल है। कोई पुरानी रंजिश? असली निवासी कहाँ गए आप? पढ़नी गाँव। किसी से कोई पुराना विवाद? यहाँ कैसे रीवा कैसे आए थे? वो रीवा पढ़ते हैं। कोई किसी से पुराना विवाद किसी से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया।